आज हम जा रहे हैं चिकन कोफ्ता कड़ी बनाने और आपको बताएंगे कि चिकन कोफ्ता कड़ी कैसे बनाई जाती है। उसके लिए हमारे पास कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम आपको बताते हैं कि हमने क्या किया, कितना कितना ले रखा है। तो हमारे पास यहाँ पर बोनलेस चिकन रखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसको हमने अच्छे से धो लिया है, बहुत ही अच्छे से। अब हम आपको कुछ जो डालेंगे मसाले हम वो दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है गार्लिक ले रखी है हमने, उसकी कुछ कलियाँ ले रखी हैं और हमने कुछ जिंजर्स ले रखे हैं, उसको भी हमने स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट कर रखा है, और कुछ हमने ग्रीन चिली ले रखी है, और आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर कोरिएंडर लीफ भी चॉप करके रखा हुआ है। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि हमने दही ले रखी है एक बॉल में, तो जितना हमें डालना होगा हम आपको दिखा देंगे बनाते समय। और यहाँ पे हमने बेसन ले रखा है एक बॉल में और वो भी आपको दिख रहा है, और हमने यहाँ पे जो है जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना के रखा हुआ है, और हमने अनियन को भी चॉप करके रखा हुआ है। तो आपको हमने सारी चीज़ें दिखा दी हैं। अब जो मसाले हैं जो हम उसके अंदर डालेंगे हम आपको वो भी दिखाएंगे कि हम वो कितना कितना डालेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो है 2 स्पून नमक ले रखी है, और हल्दी ले रखी है, हल्दी 1 स्पून है, और 1/2 स्पून है हमारे पास गरम मसाला। हमने दही को लिया है और दही को एक हमने बर्तन में डालना है, और उसको डाल के हमने जो है क्रीम करनी है, मतलब उसके अंदर जो होती है छोटी छोटी मोटी मोटी सी, तो हम उसको पतला करेंगे पानी डाल के उसको फेंट कर। ये हो चुका है पतला, काफी सही, मतलब बिल्कुल सही बन चुका है, तो उसको बस रहने देंगे। अब हम इसके अंदर जो हमारे मसाले हैं हम उनको ऐड करेंगे, हम इन सबको एक ही साथ डाल देते हैं, और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। और हमने इसके अंदर जो है गार्लिक और जिंजर का पेस्ट बनाया था हम वो भी डालेंगे। हम इसके अंदर डालेंगे 1 स्पून आप देख सकते हैं, 2 स्पून डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर उसके बाद इसके अंदर जो है वो बेसन को ऐड करना है, बेसन को ऐड कर रहे हैं। इसको भी अच्छे से मिक्स करें धीरे धीरे कर करके। तो होगी जो हमने कड़ी तैयार करी थी, जो हमने अपने बेसन के अंदर दही डाला था, जो मसाले डाले थे उसके अंदर हमने पानी डालकर उसको अच्छे से सही से पतला कर लिया है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पतला हो गया है, और इसके अंदर थोड़ा सा भी जो है फुला नहीं है, तो इसलिए आपको जो है पहले छान लेना चाहिए छन्नी से, तो ये बहुत अच्छे से जो है इसका सही आता है, बिल्कुल सही से बना हुआ आता है। अब हम इसको रख देंगे पकने के लिए, और इसको पकने में काफ़ी टाइम लग जाता है, आप देख सकते हैं। हम लोगों ने पकने के लिए तक हमारी कड़ी जो है रेडी हो रही है, अब हम जब तक अपने कोफ्ते जो है तैयार करेंगे। तो हमने जो अपने बोनलेस जो हमने चिकन ले रखी थी हमने उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में काट दिए हैं, हमें उसको जो है ग्राइंड में डाल मिक्सर में डाल के ग्राइंड करना है। तो हमने स्मॉल स्मॉल पीसेस काट के हमने उसको जो है मिक्सर के जार में रख लिया है। हम उसको थोड़ा सा लेंगे क्योंकि हमने जो यहाँ पर जार लिया है वो भी छोटा सा है, और बाकी हम अपने सारे जो भी हमने साबुत मसाले रखे थे उन हम सबको ऐसे डाल के इसके अंदर ही पीस लेंगे। इससे जो है उसके अंदर सब कुछ मिल जाता है, अच्छे से फ्लेवर आता है इसका, और काफ़ी टेस्टी लगता है। और हमने इसके लिए भी कुछ मसाले ले रखे हैं पहले से ही, तो हम इसके अंदर भी जो है सॉल्ट को ऐड करेंगे, जीरा है और धनिया है, तो ये 1/1 स्पून है जो हम इसको ऐड करके और पीस देंगे। अपना बेस बनाया था चिकन का और कोफ्ते के लिए, जो बेस बनाया था वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हम इसके अंदर जो है कोरिएंडर लीव्स मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद जो है ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, आप देख सकते हैं। और जो हमने अनियन चॉप करके रखा हुआ है हम उसको भी इसके अंदर डाल देंगे, और डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर हमारे पास जो है कुछ मसाले रखे हुए हैं, इसके अंदर थोड़ा ऑयल भी डालेंगे, ऑयल डाल देंगे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डालना है हमें ऑयल। पीस जो है पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, अब बॉल्स बनाएंगे। और याद रखिए बॉल्स बनाने के लिए हमें पहले अपने हाथों में जो है ऑयल लगा लेना चाहिए, जिससे कि हमारे बॉल्स अच्छे से हम इसको बॉल्स बनाने के ऊपर रख देंगे साइड में, जो है फ्राई करके रखेंगे और उस फ्राई पकाएंगे। अब हम जो है इसको पकाने के लिए रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर ऑयल जो है ऐड करेंगे। तो आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो सरसों का हो या रिफाइंड हो, आप ऑयल ऐड करके आप इसको रख देंगे पकने के लिए।
ताकि वो सही से पके। इसमें कुछ भी पानी ऐड नहीं करना आपको, अगर आप पानी ऐड कर दोगे तो फिर जो है सही से बन नहीं पाएगा। और अपने साथ में कढ़ी का ध्यान रखिए, जो आप साथ में बना रहे हैं उसको चलाते रहिए, जिससे कि वो फटे ना और अच्छे से कढ़ी बन जाए हमारी। कढ़ी जो है काफी अच्छा कलर दे चुका है, लेकिन अभी भी इसको बनाना पड़ेगा, कम से कम आधा घंटा लगेगा अभी बनाने में इसको। तो अब इसको पकाते हैं ऐसे रखकर, और देख सकते हैं काफी अच्छा बना। अब हम देखते हैं कि कोफ्ते कितने तैयार हुए हैं। तो कोफ्ते भी अभी एकदम सही से तैयार नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी इसके अंदर भी पानी है। जब वो पानी एकदम बिल्कुल सूख जाएगा तो हमारा जो कोफ्ता है वो भी रेडी हो जाएगा। तो अभी हम इसको पकने देते हैं ऐसे ही, जैसे वो पक रहा है हम इसको चलाते रहेंगे साथ के साथ, ताकि सही रहे, ताकि बहुत ज़्यादा सूखे ना और जले ना। सकते हैं कि कढ़ी काफ़ी अच्छी तरीके से बन चुकी है, बहुत अच्छे से पक चुका है, ना ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला है। हमें कढ़ी को एकदम परफेक्ट तरीके से बनाना है। आप देख सकते हैं हमने बहुत काफ़ी इसको पकाया है, जिससे कि कढ़ी का स्वाद जो है बहुत अच्छा आया है। अब हम देखते हैं कि हमारे कोफ्ते बने हैं या नहीं बने। तो आप देख सकते हैं कि कोफ्ते भी काफ़ी अच्छे से बन चुके हैं। अब इन कोफ्तों को जो है, हाँ जी, काफी अच्छे से कोफ्ते बन चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि इसके एक तरफ से आपको सही से पक चुका है बिल्कुल कोफ्ता। पहले से बेसन का पेस्ट बना के रखा है, जिसके अंदर हमने हल्दी को ऐड करा है और नमक ऐड करा है। हमने जो अपने कोफ्ते बनाए हैं वो इसमें डिप करके, और हम उसको जो है फ्राई पैन में, आप देख सकते हैं कि हमने जो ऑयल है पहले से गर्म कर रखा है, इस ऑयल में डिप करके हम अपने डालेंगे। थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो इसको पलट दीजिए ताकि ये जले ना। आप देख सकते हैं कि हमारे जो कोफ्ते हैं वो बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब जो है हम इसको ऐड करेंगे अपने कढ़ी में अच्छे तरीके से, देख सकते हैं। और ये बहुत टेस्टी है। अगर आप चाहें इन पकौड़ों को, जैसे दैट कोफ्ते, तो आप इसको वैसे भी सॉस के साथ खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगते हैं। ये काफ़ी अच्छे से मिक्स हो गया। हम जो है अब इसको बघार लगाना है हमें प्याज से और ज़ीरा और सूखी मिर्च से। अब इसको बघार लगाना है, तो पहले हम इसको जिस हमने ऑयल में अपने कोफ्ते को फ्राई किया था, हम उसी ऑयल को यूज़ करेंगे इसको फ्राई बघारने के लिए। जो ऑयल पहले अपने फ्राई करने के लिए यूज़ किया था कोफ्ते को, हम उसी में जो है अपने अनियन को और लाल मिर्च को, जीरा को डालकर अच्छे से भून लेंगे, और उसे हम अपने कढ़ी में डालकर फ्राई कर लेंगे। थोड़े से भून जाए इसमें अपने अनियन को डाल देंगे। दो से तीन मिनट इसको लगेगी भूनने में, तो इसको भून लीजिए पहले अच्छे से दो तीन मिनट तक। ऑनियन है वो बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसको मिक्स कर देंगे अपने कढ़ी में, जो कढ़ी बनाया है उसके अंदर, ध्यान से। तो आप देख सकते हैं कि अच्छी से जो है हमने इसको फ्राई करके इसमें डाल दिया, और काफ़ी अच्छा और खूबसूरत दिख रहा है इसको फ्राई करने के बाद। तो हमारा जो कढ़ी कोफ्ता, मतलब कढ़ी चिकन कोफ्ता जो है, और काफ़ी टेस्टी है, बहुत ज़्यादा ही। आप एक बार खाएँ तो मुझे फिर श्योर हूँ कि आप हमेशा इसको जो है अपने घर पर ट्राई ज़रूर करेंगे। जो है चिकन कोफ्ता कढ़ी बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है, बिल्कुल खाने के लायक हो चुका है। अगर आप चाहते हैं इसको घर पर बनाना और खाना, तो आप इसे आराम से घर पर बना कर खा सकते हैं। और आप जब इसे एक बार बनाएंगे तो आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, इसको आप बार बार बनाते रहेंगे अपने घर में।